तो हाँ, वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। सो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको मैंने समझाया था कि नेटवर्क क्या है, किस तरह से नेटवर्क होता है और नेटवर्क के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस वगैरह जो होते हैं। अभी जो हमारा चल रहा है वो हमारा नेटवर्क स्विच, मैनेजेबल स्विच के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको मैंने ट्रंक पोर्ट विषय समझाया था, तो ट्रंक पोर्ट के लिए क्या है, कंसोल पोर्ट क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं, कंसोल पोर्ट कहाँ पर यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ होता है, ओके, और इसको किस तरह से यूज़ करना पड़ता है, मैंने आपको समझाया था स्टेप बाय स्टेप करके, ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझ लीजिए, ओके। कम्युनिकेशन वी आपको समझा, ये भी वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाफ डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ओके। तो मैनेजेबल जो स्विच है, मैनेजेबल स्विच फीचर्स है, तो इनेबल डिसेबल पोर्ट है, लिंक बैंड विड्थ और डुप्लेक्स सेटिंग्स वगैरह जो मैंने आपको बताया था। अभी जो तीसरा फीचर है मैनेजेबल स्विच के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, इसको कॉन्फ़िगरेशन और मॉनिटरिंग क्या होती है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और मॉनिटरिंग क्या होने पर क्यों करते हैं हम। ये तीसरा फीचर क्यों मैनेजेबल स्विच के अंदर एंटर किया गया और इसको ज़्यादातर लोग जो है, यही बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट फीचर्स भी है, सब में से एक है। फिर बाद में मैं फिल्टरिंग पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडिंग प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, पॉट मीटरिंग वगैरह, लिंक एग्रेशन और भी बहुत कुछ, वीडियो कॉन्फ़िगरेशन, NTP क्या है, नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल NTP क्या करता है, वो भी हम समझेंगे। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको समझा था कि इनेबल और डिसेबल पोर्ट क्या होता है, इसको क्यों हम इस फीचर्स को यूज़ करते हैं, इसका क्या इतना इम्पोर्टेंस है मैनेजेबल स्विच के अंदर, तो ये ध्यान से देखिए। फिर दूसरा फीचर्स मैंने बताया था, मैंने इसकी वीडियो बनाकर रखी हुई है, नेटवर्क की प्ले लिस्ट में जाइए, ओके। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको समझा दिया था कि लिंक बैंडविड्थ एंड डुप्लेक्स सेटिंग्स वगैरह क्या होता है, यहाँ पर आपको समझाया था। साथ ही मैनेजेबल स्विच के अंदर ये भी मैंने आपको समझाया था, साथ ही इस तरह की मैनेजेबल स्विच और कंसोल वगैरह बैंडविड्थ वगैरह क्या होता है, और साथ ही आपको इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट के जितने भी कंट्रोल और मेन सिस्टम होते हैं, मैंने आपको समझाया था। नेटवर्क इंजीनियर का किस तरह से यहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है कि मैनेजेबल स्विच के अंदर अलग तरह की सिस्टम सेटअप करता है, डुप्लेक्स क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाया था, वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। फिर ऑटो नेगोशिएशन, हमारे यही चीज़ मैंने आपको समझाया था कि डुप्लेक्स वगैरह सिस्टम्स के अंदर, फिर स्पीड वगैरह और डुप्लेक्स सिस्टम और उसके ट्रांसमिशन पैरामीटर समझाए थे मैंने आपको। तो आज से हमारा जो शुरू होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन इस वीडियो के अंदर। तो तीसरा फीचर हमारा मैनेजेबल स्विच के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग क्या होता है, जिसको इन शॉर्ट में QoS बोलते हैं, QoS, ओके। तो ये कॉन्फ़िगरेशन और मॉनिटरिंग वगैरह क्यों होते हैं, कि इसको यूज़ किया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए, ओके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो, ओके। यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर, ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी।
अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कॉम्पाउंड नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नेम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल पर। जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कॉम्पोनेंट नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टेंट में। तो जो नए टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कम्प्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर, विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि इसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए, सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है, मैं अपना सिस्टम जो है, अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्लेलिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है,
आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकते हैं कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटर क्या होता है? ओके, तो जब मैनेजेबल सिस्को एनेजेबल स्विच आई बनाई गई थी सिस्को कंपनी ने, तो सर्विस क्या होती है? क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन और मॉनिटर, ऐसी सर्विसेज जिसके अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहिए और इसकी क्वालिटी काफ़ी पावरफुल होनी चाहिए, और मॉनिटर भी इसके अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि आपने जो सर्विसेज जो दी है या फिर चेकिंग की है या तो उसको कॉन्फ़िगर किया या जो भी एक्स वाई जेड आपने फीचर्स ऑन ऑफ किए, तो उसका मॉनिटरिंग भी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको ये जो है समझ में आएगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो पहले हम क्वालिटी ऑफ, जिसको क्यूओएस बोलते हैं, उसका क्या है? तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसको क्यूओएस, जिसको क्यूओएस बोलते हैं, इज मैनिपुलेशन ऑफ ट्रैफिक सच एज दैट नेटवर्क डिवाइसेस के। तो एक मैनिपुलेशन करता है ट्रैफिक सच एज नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर, सच एज अ राउटर और स्विच। ओके, तो नेटवर्क के जितने भी ट्रैफिक है, जितने भी डेटा आ रहा है, उनको कहते हैं ट्रैफिक। तो जितने भी ट्रैफिक बढ़ रहा है, जितने भी नेटवर्क आ रहे हैं, वो कहाँ से आया, किस तरह से आया, दूसरे स्विच में से आ रहा है या दूसरे राउटर में से, या फिर और भी कुछ सर्विस में से आ रहे हैं। ओके, तो फॉरवर्ड इट इन पेशन कंसिस्ट विथ द रिक्वायर बिहेवियर्स ऑफ द एप्लीकेशन जनरेटिंग दैट ट्रैफिक। ओके, तो फॉरवर्ड जो होती है कुछ ऐसे पेशन कंसिस्ट, कुछ ऐसे इसके साथ रिक्वायर बिहेवियर जो होते हैं एप्लीकेशन जनरेट कर रहा है इस तरह के ट्रैफिक को, जो यहाँ पर देखना होता है। ओके, तो इन द अदर वर्ड मीन्स दूसरे शब्द में क्योंस इनेबल करता है नेटवर्क डिवाइसेस को डिफरेंट टीज ट्रैफिक एंड है अप्लाई द डिफरेंट बिहेवियर्स टू द ट्रैफिक। ओके, तो क्योस जो है वो इनेबल करता है नेटवर्क डिवाइस और डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक को, और अप्लाई करता है डिफरेंट बिहेवियर्स के ट्रैफिक के अंदर। ओके, ये चीज़ होती है आपके सामने। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जितने भी आपके सामने ये जो है, जितने भी है, ओके, ये हमारे कम्युनिकेशन के डिवाइसेस के केबल्स है। अब मान के चलते हैं कि नंबर 3 और 4 और 6 नंबर का कोई भी ऐसा वायर कनेक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा डेटा सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ये सब जितने भी 3 है, तो एप्लीकेशन क्या करता है, वो जनरेशन जनरेट करता है जिन किस तरह से ट्रैफिक को बताता है कि इतना ट्रैफिक इतना यहाँ से इतना बढ़ रहा है सिस्टम के अंदर। तो कहने का मतलब ये कि आपको हार्डवेयर ने अपने अपने अच्छे तरीके से बना दिया है। सिस्को कंपनी ने जब पहली बार मैनेजेबल स्विच बनाई थी, जिसको मास्टर स्विच भी बोलते हैं, तो काफ़ी हीवी टाइप की जो स्विचेस थी, अभी आपके सामने ये जो देख सकते हैं की पोर्ट्स है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे ये जो देख सकते हैं कि सीपीयू चिप्स वगैरह है, यहाँ पर आपको सीपीयू मॉड्यूल दिख रहा है आपको यहाँ पर। ओके, सीपीयू का जो पूरा टोटल मॉड्यूल है, और यहीं पर ही हमारा जो है डेटा का प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पर ये जो है सीपीएलई है। ओके, जो कंट्रोल पावर एलडीस के अंदर होता है सीपीएलडीस के, उसको
और यहाँ पर बीएमसी फिजिकली, और यहाँ पर ये जो जैसे पावर एस एम पी एस है ओके, और यहाँ पर जितने भी देख लो 1 2 3 4 5 ये फैन ओके। तो इसके अंदर तो आपने हवा को काफ़ी पावरफुल बना कर, इसके अंदर जो कंट्रोलिंग हुई किस कहाँ से किस तरह से डेटा पावरफुल आ रहा है किस तरह से ये चीज़ है, तो हॉट सेवेबल फैन है ओके। हॉट सेवेबल का मतलब कि चालू में आप स्विच को खोल सकते हो और उसके अंदर से जो है फैन निकाल सकते हो, बदल भी सकते हो, इसको कहते हैं हॉट सेवेबल। दूसरा है इंटेल एक्स सियोन D1514 सीपीयू देख सकते हो कि यहाँ पर ओके। तो नेक्स्ट इन XT सियोन ब्रॉडबैंड स्विच चिप है यहाँ पर ओके। तो 5694 इसके अंदर सिर्फ मेन जो है स्विच की चिप होती है, और यहीं पर ही हमारा सीपीयू के थ्रू यहाँ पर ये जो है यहाँ पर मैक टेबल और भी बहुत सारे फीचर्स वगैरह इसी के अंदर स्टोर होते हैं। तो आपके पास सॉफ्टवेयर भी ऐसा होना चाहिए। तो सिस्को ने यही चीज़ें कियोस्क सिस्टम बनाई थी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जितनी भी है उसकी, जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के अंदर डेटा जाते हैं कैसे जाते हैं, तो मैंने आपको समझाया था कि पैकेट वाइज जाते हैं, फिर एरर होती है तो एरर कैसे आपको मिलनी चाहिए, सब कुछ जो है सिस्को ने मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाई थी इसके अंदर, और इसके अंदर प्रोग्रामिंग की थी स्विच के अंदर रुकी ताकि उसको मॉनिटर भी कर सको। तो सिस्को कंपनी जो थी उसने जो पहली बार मैंने जब स्विच बनाई थी तो इसके अंदर ये थर्ड नंबर का फीचर भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखा, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी डिवाइस ऐसा लगाते हो जैसे कि मान के चलते राउटर लगाते हो, फिर तीसरी जगह पर सर्वर्स लगाती है तीसरे चौथे पिन के अंदर, और भी 6 7 ऐसे पोर्ट आपने सर्वर्स लगा कर रखी हुए साथ ही इसके साथ, और भी बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह जो है। तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन होता है, सेंडिंग होते हैं, नेटवर्किंग कनेक्शन होता है, इंटरनेट वर्क कनेक्शन होता है, तो ये जो चीज़ें होती है क्या होता है कि आपको कितना पावरफुल जो ये होता है कि ट्रैफिक जो है मॉनिटरिंग करना होता है, ये होता है सिस्को का सिस्टम। तो इन फील्ड ऑफ टेलीफोनी ओके, तो फील्ड के अंदर जो टेलीफोनी कंपनी होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिफाइन होता है बाय ITU 1994 ओके। तो सर्विस जो डिफाइन हुई थी ITU की जो 1994 के अंदर, क्वालिटी ऑफ सर्विस कंप्राइज रिक्वायरमेंट ऑल एक्सपेक्ट कनेक्शन ओके, सच ए सर्विस रिस्पॉन्स टाइम, लो सिग्नल्स, नॉइस, रेडियो कंसर्ट, इको, इंटरप्ट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, लाउडनेस लेवल्स एंड सो ऑन। कहने का मतलब कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करती है रिक्वायरमेंट ऑल ऑन एक्सपेक्ट कनेक्शन के ऊपर ओके। जैसे कि कौन कौन सी सर्विसेज की बात करते हैं, तो टाइम की बात करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम की, क्योंकि अगर आपने देखा होगा पिंग कमांड हम डालते हैं तो टाइमिंग के थ्रू TTL लिखा हुआ होता है ओके, और उस टाइम को कितने टाइम के अंदर उसने रिस्पॉन्स दिया है स्विच में, पिंग कमांड डालते हैं, पिंग कमांड डालने के बाद हम कोई साइट पर IP एड्रेस डालते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ये एक तरह का पैकेट ग्रॉपर का एक प्रोटोकॉल होता है हमारे नेटवर्क की कनेक्शन को चेक करने के लिए। तो पिंग कमांड से क्या होता है कि हम जो कनेक्शन करते हैं जो भी डेटा सेंडिंग और करते हैं उसकी लाइन चेक करने के लिए होते हैं। फिर लॉस का मतलब होता है कि जितने भी पैकेट होते हैं, तो हमारा डेटा मान के चलते कि एक एक डेटा का सेगमेंट गया, तो मैंने आपको समझा ट्रांसपोर्ट लेयर समझाया था, ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको ये समझाया था कि जहाँ पर हमारा डेटा मान के चलते कि नम इतने सारे जितने भी है कॉम्पिटिशन के साथ ज्वाइंट है ओके, तो कोई तीसरी पार्टी का कोई कॉम्पिटर कनेक्ट है और इसका सिग्नल जो है टूट रहा है, सिग्नल लॉस हो रहा है, तो मतलब कि इसकी डेटा भी जो है लॉस हो रहा है ओके। फिर सिग्नल टू नॉइस रेशियो, तो ऐसे सिग्नल जिसके अंदर आपको ज़्यादातर इससे रिस्पॉन्स कम मिलते हैं और उसी जगह पर कोई दूसरा और ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहा है। फिर क्रॉस टॉक होता है, क्रॉस टॉक का मतलब ये होता है कि सेंड भी कर रहा है रिसीव भी कर रहा है इस तरह से सब। फिर कुछ की को मैसेजेस वगैरह जो होती है, इंटरप्ट जो होती है, मतलब कि दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन या तो फिर VPN की कुछ प्रोटोकॉल्स के अंदर प्रॉब्लम होती है वो। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होता है, तो आपको पता होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है ओके। तो फ्रीक्वेंसी की रिस्पॉन्स कितनी है, कितनी किस तरह की है, वो भी चेक करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए होती है। लाउडनेस लेवल भी होना होता है, लाउडनेस लेवल किसको कहते हैं ये आपको समझाने के लिए मैं आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा ओके। और भी बहुत कुछ जैसे कि ISO मतलब कि कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जो बिहेवियर के लिए
आउटसाइड राउटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं जो वायरलेस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए ये सबको जो है मैनेज करना पड़ता है और मेंटेन करते हुए हमें मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है। तो मॉनिटर के ऊपर हमें ये मेन चीज़ होती है। और सबसे टेलीफोनिक कॉल जिसको ग्रेड ऑफ सर्विस बोला गया है, पर क्वालिटी ऑफ सर्विस है तो उसको रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये ग्रेड ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट विच कॉम्प्राइज एस्पेक्ट ऑफ द कनेक्शन रिलेटेड टू कैपेसिटी एंड कवरेज ऑफ नेटवर्क। तो कुछ ऐसे कॉम्प्राइज एस्पेक्ट होता है कनेक्शन जो होती है उसको रिलेटिंग कैपेसिटी, मतलब उसकी जो कैपेसिटी होती है। तो आपको पता है कि स्विच जो है मिनिमम 100 Mbps से 1000 Mbps की भी स्पीड जो है ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जाम्पल गारंटी मैक्सिमम ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी एंड आउटेज प्रोबेबिलिटी का यूज होता है यहाँ पर, जिसके आपके सामने ये चीज़ें। ओके, हमने ट्रंक पोर्ट बनाया। ओके, तो हमने ये गारंटी तो मिल गई कि हमने विलेन हमें जो है क्रिएट किया वो एक्सेस मिल रहा है, चीज हो रहा है। लेकिन चाहती हूँ कि कुछ टाइम के बाद वो ट्रंक पोर्ट जो है ब्लॉक हो जाए, मतलब कि बंद हो जाए और VPN के अलावा दूसरी भी सिस्टम को जो है कनेक्शन आउटसाइड से करना है, तो वो भी इसी के अंदर होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के अंदर। ओके, तो उसके लिए आपको वही चीज़ कंसोल केबल कनेक्ट करना होता है, वही से आपको सीधे सिस्टम को सेटअप करना होता है। और साथ ही कुछ ऐसे जगह पर हमारे मेन जो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन वगैरह जो होते हैं, ओके, कि जिसके अंदर हमारे कम्युनिकेशन की जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं तो फिर जितनी भी हमारी स्टेटस होते हैं हमारे स्विच की, वो हम देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, किससे से रिसीव सेंड होता है, सब कुछ यहाँ पर ये हमें मिल सकता है। एक सर्विसेज वन टाइप ऑफ यू कहे कि कंप्यूटर के हमारे ट्रैफिक सिग्नल के थ्रू। तो इन द फील्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड अदर पैकेट स्विचेस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो फील्ड में जो यूज़ होता है वो नेटवर्किंग के टाइम इस कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही दूसरे पैकेज जो स्विचेस होते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर, जैसे कि दूसरे कौन से, तो इंटरनेट के अलावा हमारे टेलीकम्युनिकेशन के हम जो है फोन होते हैं हमारे, जिसको VoIP बोलते हैं। ओके, वॉइस और वॉइस पैकेज होता है, वॉइस कम्युनिकेशन होती है। तो टेली ट्रैफिक इंजीनियरिंग रिफर्स टू ट्रैफिक जिसकी प्रायोरिटाइजेशन एंड रिसोर्स जो रिजर्वेशन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंट्रोल मैकेनिज्म रहता देन उसकी आर्सी सर्विस क्वालिटी होती है। तो कुछ ऐसे कंट्रोल मैकेनिज्म होती है जो आर्सी सर्विस क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है एक इस तरह एबिलिटी टू प्रोवाइड रिफरेंस प्रायोरिटी। ओके, तो दूसरी तरह की क्वालिटी ऑफ सर्विस जो होती है वो अलग तरह की यहाँ पर डिफरेंट प्रायोरिटीज के अंदर होती है और डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ होती है उनकी, मतलब अलग से उसको मॉनिटर करने के लिए स्विच की अलग से एप्लीकेशन होती है। यूज़र और डेटा की, यूज़र कौन सा लॉगिन है वो भी हम पता कर सकते हैं, और डेटा फ्लो कितना हो रहा है, मतलब डेटा वहाँ से कितना निकल रहा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही गारंटी हम सर्टेन लेवल देख सकते हैं, परफॉर्मेंस कितना डेटा जो है जा रहा है उसका लेवल भी हम देख सकते हैं। तो हर मैनेजेबल स्विच के अंदर, चाहे वो फाइबर ऑप्टिकल स्विच हो, चाहे वो इथरनेट स्विच हो, कोई भी स्विच हो, अगर आपने कियोस क्वालिटी ऑफ सर्विस कम्प्लीटली आपने कॉन्फ़िगर की हुई है तो आपको ये चीज़ मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है कि रिक्वायर बिट रेट। ओके, रिक्वायर बिट रेट होता है, मैंने आपको बताया था कि जब हम पिंग कमांड डालते तो हमारे पिंग का एक प्रोटोकॉल का एक जो है पैकेज निकल कर हमारे कंप्यूटर में से सामने वाले डिवाइस के पास रिस्पॉन्स लेकर वापस आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि रिप्लाई हमें मिल रहा है, मतलब कि हमारा कनेक्शन कम्प्लीट है। हम डिले देख सकते हैं कि डिले को पैकेज कितने टाइम में डिले हो रहा है या फिर कितने टाइम में हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो मैक्सिमम स्पीड कितनी वो भी है। फिर डिले हो रहा है तो इसका वेरिएशन का मतलब उसका कैलकुलेशन टाइमिंग क्या होता है, ये भी होता है। पैकेट लॉस, मतलब कि जो भी हमारा डेटा गया है स्विच के साथ या स्विच की तरफ से आ रहा है वो कितना आया और कितना लॉस हुआ। साथ ही एरर भी हमें बताता है कि इस जगह पर एरर मिली है हमने, यहाँ पर हमें जो कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है तो एरर की वजह से यहाँ पर। ओके, तो शायद आपकी गारंटी होगी। ओके, तो
प्रोडक्ट सर्विस ही ऐसा इम्पोर्टेंट और रियल टाइम स्ट्रीमिंग और मल्टीमीडिया जो एप्लीकेशन जो है, जिसके अंदर आपको काफ़ी बेहतर तरीके से जो चीज़ें हैं आप ढंग से परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि वॉइस ओवर आईपी, जो VoIP जिसको आज हम एंड्रॉयड मोबाइल से कॉल करते हैं, फोन करते हैं, तो यहीं से ही हमारा होता है VoIP से। मल्टी प्लेयर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ओके, और IPTV मतलब जो हमारे आईपी के थ्रू टीवी चल रही है, स्मार्ट टीवी होती है वो, और सिन टेन ऑफ टर्न रिक्वायर्ड फिक्स बिट रेट जो होती है, और भी हमारे डिले सेंसिटिव जो सिस्टम्स वगैरह होती है, जैसे कि राउटर वगैरह कम्युनिकेशन होती है, तो वही चीज़ इसको कंपनी ने जो है सभी जो नेटवर्क के अंदर कुछ खामियां थी उनको निकाल कर काफ़ी बेहतर तरीके से उसका कम्युनिकेशन और पैकेज स्विच होता है वो समझाएँ यहाँ पर बताएँ यहाँ पर। ओके, तो एक कम्युनिकेशन सर्विसिंग और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो एबिलिटी है यहाँ पर ध्यान से आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर रिले सेंसिटिव और एंड आर रिले सेंसिटिव वगैरह जी आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन नेटवर्क वेयर द कैपेसिटी इज द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो खास होती है नेटवर्क के अंदर, कैपेसिटी इसकी जो होती है वो कितनी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, जैसे कि सेल्यूलर डेटा कम्युनिकेशन होगी तो लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों होती है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि आपका इंटरनेट जो है मोबाइल का, तो कुछ टाइम के बाद आपका इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, कैसे होता है, इसी क्वालिटी ऑफ सर्विस की खास इंपॉर्टेंट नेटवर्क का कम्युनिकेशन यही चीज़ होती है कि आप जो कैपेसिटी उसकी लिमिटेड जो है घटा देते हो। अगर हम कोई भी मोबाइल के अंदर रिचार्ज करते हैं, कोई भी हम सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, तो ये जो है आपके सामने एग्जांपल सेल्यूलर डेटा जो होता है कम्युनिकेशन होता है वो आपके सामने होता है। ओके, तो कहने का मतलब कि जो भी हमारे डेटा होते हैं, जो भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, जितना भी एक महीने का होता है कि या फिर जितने भी आपने स्किप किया है, वो इसी सिस्टम को आप ऑन करवाते हो। ओके, अपने मोबाइल सेल सिस्टम कम्युनिकेशन के अंदर यही चीज़ होती है। ओके, तो इसी क्वालिटी ऑफ सर्विस कहाँ पर होती है, जहाँ पर मेन सेंट्रल कम्युनिकेशन सर्वर सिस्टम्स होती है और जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है अपने तरीके से सॉफ्टवेयर के उस कुछ एप्लीकेशन के थ्रू रनिंग करवाते हैं। यहाँ पर कहने का सीधा मतलब ये है कि जो भी हम कम्युनिकेशन करवाते हैं या फिर जो भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम जो होती है वो वहीं से स्टार्ट होते हैं, यहीं से हमारा जो है एक मेन इम्पोर्टेंट जो भी हम इंटरनेट फ्री करवाते हैं, जो भी हम टेली कम्युनिकेशन बातचीत करते हैं, तो उनका मेन सिस्टम हब सिस्टम मेन कम्युनिकेशन बिल्डिंग में से ही हम जो है यहाँ पर उनकी सर्विसेज इंफॉर्मेशन होती है। तो सीधी सी बात है कि जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी हम डेटा को सेंडिंग वगैरह रिसीव करते हैं, जो भी हम इंटरनेट से चलते हैं, जो भी हमारा पैकेज जाता है वो यहीं से होता है। तो सिस्को कंपनी ने ये पहली बार शुरुआत की थी, वहीं से हमारा इंटरनेट जो है, जिस तरह से हम ये कहें कि थोड़ा टाइम के अंदर हमारा एक महीने के अंदर हमारा जो इंटरनेट चलता है फिर वो बंद हो जाता है, कैसे होता है, यही सिस्टम क्वालिटी ऑफ सर्विस के थ्रू ही होता है। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा कि क्वालिटीज ऑफ ट्रैफिक क्या होता है। ओके, क्वालिटीज की ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से वर्कआउट करती है, और इसको ध्यान से अगर आप ध्यान देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटीज ऑफ ट्रैफिक किस तरह से वर्कआउट करता है, और यहाँ पर कैसे जो कंपनीज जो होती है वो अपने तरीके से यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर या तो फिर हमारे मोबाइल के अंदर हम जो भी डेटा या जो भी इंटरनेट करवाते हैं वो कैसे हमारे सिस्टम की अंदर लिमिटेड हमारा डेटा सेटअप होता है, जैसे कि एक महीने के अंदर हमारा इंटरनेट पूरा हो जाता है, या फिर यू कहें कि दो मंथ के अंदर हमारा इंटरनेट पूरा हो जाता है, किससे होता है, इसी क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर। तो पहले हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू करूँगा क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक, इसी वीडियो के अंदर समझाऊँगा कि किस तरह से हमारा जो है क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल वगैरह जो है किससे होता है। तो सिस्को कंपनी ने काफ़ी बेहतर 1994 के अंदर से ही स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकती हो। तो थैंक यू, नेक्स्ट डे। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस और ट्रैफिक 1994 की तो शुरुआत हुई थी, लेकिन उसका बेहतर जो ढंग से लोगों ने उसका चेंजिंग वगैरह जो सिस्को कंपनी फिर बाद में चेंज किया, तो 2003 में ये काफ़ी फेमस हुआ था। ओके,
ये से क्वालिटी ऑफ सर्विस की हम बात, उसके फीचर्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझिए। ओके, तो थैंक यू। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप भी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप ना आपको कोई कंप्यूटर के नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है, क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी, आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।